नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों आप तस्वीर देख पा रहे हैं एक लड़की की, नाम राधा है और बता रहे हैं कि घरोंडा की रहने वाली ये लड़की, घरोंडा में ही शादी हुई थी 9 वर्ष पहले, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं इनके परिजन पहुंचे हुए हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में, जहां पर बताया जाता है कि जो लड़की है, हालांकि जो घर वाले हैं, जो माँ हैं और जो भाई हैं, उनका कहना है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है, क्योंकि जो शव है वो घर में लटका जो है वो पाया गया था। और बता दें कि यहाँ पर फिलहाल पूरा मामला जो है वो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, हालांकि उनका जो आरोप है वो है लड़की के ससुर को लेकर। जी हाँ, ससुर को लेकर बड़ा जो एक आरोप है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये खुद बताएंगे क्या समस्या आ रही थी इनकी बेटी को, जिसके बाद ये बता रहे हैं कि इनकी बेटी ने सुसाइड नहीं बल्कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हैं? ओल्ड फरीदाबाद। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबी है जी। तो ये आपकी जो सिस्टर हैं राधा, ये बता रहे 9 साल पहले शादी हुई थी और अब अचानक से आपको जो है उन्होंने बोला कि जी सुसाइड कर लिया है। आप इनका कॉल आया था 2 बजे करीब, आपकी बहन ने फांसी लगा ली सुबह दोपहर के 2 बजे, 12 बजे बहन की डेड हुई थी। इन्होंने फोन 2 बजे किया, 2 घंटे बाद हमसे बिना आप पूछे ना दाखिल कर दिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए, बिना पूछे। हमने बोला भी इनसे जब तक माना जाए कहीं भेजना नहीं बॉडी को, ठीक है वो किया इनने, ठीक है बॉडी अपने आप उतार ली वहाँ से। जी आप माँ हैं उनकी? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेमवती है सर। जी जी जी, मेरी बेटी राधा थी, कल सवेरे 8 बजे मेरी बात हुई कि मेरी बेटी थे, मेरी बेटी था बात भाई, तो जब बुड्ढे की जिक्के बहुत दिन आते कहती थी मम्मी बुड्ढा कभी हाथ पकड़ता है कभी कुछ कहता थी मेरे बस। जो उनके ससुर हैं? ससुर है। क्या नाम है ससुर? ससुर का नाम प्रेम पाल है। अच्छा। कहते अगर मेरे बस में नहीं आई ना, मेरे लिए नहीं रही, तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इसने लड़की ने मेरी ने बात नहीं मानी, इसने भी लड़की को प्लॉट 1.5 गज का दे के बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। मेरा जमाई ड्यूटी चला गया सवेरे 5 बजे, प्रेमपाल अपने देवते को लाके अपनी बेटी को लाके मेरी बेटी मरवा दी, फांसी लगवा दी। बताओ कुंडी में गेट में कौन फांसी कैसे लग जाएगी? और फिर कहता डोला है कि हमने कि क्या हुआ क्या, मैंने पूछा मैंने कि क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन किया था इसने मेरे, मैं पूछा क्या हुआ मेरी बेटी को, तो कह रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई तो वह उखाड़ा जाए, वो उखाड़ ले तू मेरे से। भाई साहब ऐसे कही थी मेरे तीनों बेटन की किस्म, इसने ऐसे कही थी मेरे से। जो आरोप आपने लगाया है उसके हिसाब से ये समस्या कितने समय से आ रही थी आपकी बेटी को, जो आप बोल रहे हैं कि ससुर जो है वो छेड़ता था? सर काफ़ी समय से आ रही, मैंने कही कोई ना बेटा बड़ा बूढ़ा है ये कोई नहीं मर जाएगा चला जाएगा बेटा, कुछ भी ना बेटा जी, जेल भले घर की लड़कियां जेल नहीं बामे नहीं जाती हैं, थाने में भले घर की लड़कियां थाने में नहीं जाती हैं, जेल जाएगा कितनी बदनामी होगी। हम शिकायत वगैरह करना चाह रहे हैं। दमाद क्या करता है? दमाद मेरा गाड़ी चलाता है, दमाद मेरा बहुत अच्छा है, बहुत गऊ है दमाद, अच्छा है। हाँ ये दमाद को मारता था बुड्ढा, कई दफे अपने देवताओं को ला के दमाद को पिटवा चुका है, बेटी पे पिटवाता था ये। कोई पंचायत नहीं हुई आपकी कभी? कभी मैंने कोई पंचायत नहीं करी बेटा, मैं बाबू दूर रहती थी बेटा। तो आपके जो बेटी हैं और बता रहे हैं जो दामाद है, तो वो उसी घर में रहते थे या अलग रहते थे? उसी घर में रहते थे बेटा, अब भी जब अपनी बेटी के पास जाके 1.5 गज का प्लॉट दे दिया, मकान बनवाया, अब मेरी बेटी ने कही कि भाई लेंटर डरवा दो, लेंटर डरवाने के पीछे इसने मेरी बेटी को मरवा दिया, लेंटर आधा पटा पड़ा हुआ है इसने, मेरी बेटी से 8 बजे मेरी बात हुई है। दमाद बन रहा था वहीं पर ही, वहीं पर नया नहीं है, पुराना ही घर है सर, आगे लेंटर पर आता उसमें। अगर मेरी बेटी की अगर कोई वैसी बात होती 8 बजे मेरी बात भैया कुछ तो कहती मेरे से। मेरा दमाद बोली मेरे मुकेश गाँव बेटा के ड्यूटी गए हैं मम्मी, वो तो ड्यूटी चले गए हैं, जिप बजन से मुकेश से पीछे लेके आया है दोनों उनको, जब इसने लटकाया है मेरी बेटी को। तो बेटी से आपकी बात हुई, बेटी मैंने कुछ भी नहीं बोला सुबह? बेटी मैंने कुछ नहीं बोला मेरे से, बस पूछी मम्मी तू ठीक ठाक है? मैंने हाँ बेटा मैं तू ठीक है बेटा? हाँ बढ़िया हूँ, राजी खुशी पूछ के मम्मी बच्चा स्कूल जा रहे हैं? मैं ठीक है बेटा। दोनों बच्चे उनके? 2 बच्चे थे, नोनू सोनू कही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो मामला है ये फिलहाल यहाँ पर इनका कहना है कि
जो ससुराल पक्ष है उन्होंने सुसाइड नाम दिया है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें मारा गया है, इनका ये आरोप है। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं पुलिस को खरीद लूंगा, इसने खरीद ली पुलिस। हाँ कहता मेरे पास पैसा, ससुर कहता बेटी के ससुर ने, हाँ मेरे पास पैसा बहुत है, मैं पुलिस को खरीद लूंगा। तो जो सास है वो कहाँ? सास नहीं है, इसके लुगाई नहीं है, हाँ दूसरी लुगाई इनको रखता था ये। हाँ और यहाँ पर फिलहाल सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब भी ये मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करता था, कल भी आके इसने ही टॉर्चर करा, फिर जब लेके आया ये इसने मेरी बेटी मार दी। जाने जो भाई हैं उनसे बात करते हैं, तो आपकी जो बहन है उनका जो शव लटका पाया था, किस चीज से लटका हुआ था कुछ बताया? कुछ बताया नहीं है, पहले बोला पंखी पे लटका था, फिर बाद में बोली इधर भाई चौकट पे लटका है। क्या बोला इन्होंने? घुमरा किया हमें, पहले पंखे से फिर बाद में चौखट से, पहले पंखा बोला बाद में चौखट बोला कि इनसे लटक गए। हाँ जी घुमरा किया है। हम ग्राउंड आए थे अपने, ग्राउंड थाने में आ जाओ, हम घर पे आ रहे हैं, घर पे डेड बॉडी नहीं है। तो ये सब जब ऐसे हालात चल रहे थे तो आपने इसके लिए क्या संज्ञान लिया कि भाई बता रहे हैं ससुर की छेड़खानी सामने आ रही थी? हमारा हम आपको बहुत चीप फैमिली से, इसलिए बहन से बोली हर बार ससुर हैं बड़े बूढ़े हैं छोड़ दो, कोई बात नहीं सुधर जाएंगे, एज इट है बाप समाने। इसीलिए तो आपने अभी पुलिस से बातचीत हुई है आपकी? हुई है, बहन को देखने आए हैं पोस्टमार्टम के लिए, देखते कर भी अभी शिनाख्त के लिए आए हैं। हाँ जी जी जी। और यहाँ पर बहन सिस्टर की डेड बॉडी देखी नहीं है अभी तक। अच्छा देखी नहीं, दिखाई नहीं है इन्हें, रात को पुलिस से बोली भी हमने दिखा दो डेड बॉडी, देख कर पता लगेगा कहाँ निशान है और क्या कुछ है। हाँ जी सर जी जी। और पोस्टमार्टम जो है वो होगा तब पता लगेगा। हाँ जी 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 जी। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि हालात जो माँ के हैं वो किस तरीके के हैं, और फिलहाल ये ज़रूर है कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी आगे होगी जिसमें चीज़ें जो हैं वो अभी फिलहाल साफ होंगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की जो बेटी जो है उनकी मौत हो गई है उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ पर फिलहाल इस तरह का जो आरोप जो लगाया गया है काफ़ी ज़्यादा हैरानीजनक है, लेकिन अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें चीज़ें जो हैं वो साफ होंगी। होली के समय से, होली के समय से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे उस लड़की को। करी मेरी बेटी, कुछ बेटी कब रहने आई थी आपके पास, कितने समय पहले आई थी? वो तो दिवाली की आई है हमारे यहाँ, तो दीपावली के बाद नहीं आई है। दिवाली से आपके घर नहीं आई? दिवाली से आपके घर नहीं है। आने नहीं देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर, वो कह रही बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तब आऊंगी मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ससुर हैं वो फिलहाल सामने हैं, जो मर्चरी हाउस में पहुंचे। जी क्या नाम है आप? लड़की आपसे काफी तंग करके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी, मैं घरौंडा से रहता हूँ, और ये मेरी बहू रानी जो है ना सब तरह से खुश थी, हर तरह से। और मैं तो ये मकान बनने लगा था उसकी वजह से अपनी लड़की के पास रहता था, लेकिन दिन में इनकी पूरी हेल्प करता था, आके मजदूर सब लगाया, मटेरियल लगाया, सब कुछ पैसे से दिए, वो हर तरह से परेशान नहीं किसी तरह भी हम कोई करते थे, खुश थी। और पता नहीं क्या उसकी वजह रही, अपने घर वाले से कोई बात होगी होगी, मैं तो रात को वहाँ नहीं था। और सवेरे में जब मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि भाई 12:30 बजे बच्चों को स्कूल से ले आओ, 11:30 बजे फ़ोन किया था, मैं 12:30 बजे फ़ोन लेने बच्चों को लेने चला गया, और बच्चों से लेके मैं घर पे आया तो मजदूर वगैरह लगे थे घर पे काम कर रहे थे, लेकिन वो जो है दरवाज़ा नहीं खुला था। उनको मजदूरों ने शिकायत की कि आज इन्होंने चाय भी नहीं पिलाया, दरवाज़ा नहीं खोला है। अब मैं जाके आवाज़ दी, बच्चों को मेरे साथ थे, और जैसे मैंने आवाज़ दी उसने कोई कुछ नहीं जवाब पाया। मैंने फिर धक्का मार पैर से धक्का लगा के उसको दरवाजे को तोड़ा, उसकी चटकनी अंदर से टूट के गिर गई, और अंदर देखा तो बीच के दरवाजे से वो हमारी बहू वो लटकी हुई थी, और उसने चुन्नी गले में डाली थी। थोड़ी सी मूवमेंट सी मुझे नज़र आई तो मैंने एकदम उसको मैं उठाया, एक कोई आदमी आया बेचारा कोई आवाज़ सुन के उसने फटाफट चाकू से काट दिया उसको, और वो नीचे उतार दिया। नीचे उतार के हमने 112 फोन कर दिया, उसके बाद
पुलिस कार्रवाई से चलता रहा। ये परिवार वाले जो बोल रहे हैं लड़के के, आपके बेटे के ससुराल वाले, कि जो मतलब पति है वो ठीक है, मतलब उसके साथ कभी कोई बात ही नहीं हुई, वो कह रहे हैं वो हमारा दामाद तो बहुत ही अच्छा है, आपके बारे में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि छेड़खानी का, और मतलब छेड़खानी से जुड़े हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। सर मेरी 78 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मैं अब ऐसे काम के लिए बिल्कुल बेसलेस, जो मुझे इल्जाम लगा दो, उनकी लड़की गुजरी है, बहू हमारी गुजरी है। आपके आपके और उनके संबंध ठीक थे परिवारों के आपस में? लगभग ठीक ही था जी। कोई किसी बात पर कोई अनबन वगैरह शुरू से कोई चल रही? अनबन ये जरूर थी कि एक प्लाट था मेरे पास, जिसको मैंने जो है ना अपनी लड़की की परेशानी की वजह से उसने मांग लिया, हमने दे दिया, उसकी वजह से बस ये कि ये प्लाट क्यों दे दिया उसको, तो उस वजह से। तो ये बात किसने बोली थी? ये इसकी लड़की की माँ ने, मेरे घर पे आए थे, वहाँ झगड़ा झुगड़ा किया था खूब, तो वो सब बातों से डिस्प्यूट चल रहा था, जैसे मर्जी मैंने कचहरी में चल रहा था। नहीं नहीं, वैसे वैसे घर पे आए थे, लड़ झगड़ के चले गए थे, उसके बाद ना मैं गया लगभग, ना ही वो आए हैं। अच्छा, उनके रिवेंज में लड़की कुछ भी कहती रहे अपनी माँ को, हमने कोई जो आपकी बहू है वो ठीक रह रही थी घर पे? ठीक रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा कदम लिया, आपके बेटे के साथ ठीक रहती थी? ठीक ही रहती थी। मैं तो देखो जी 2 महीने से मकान बन रहा था, उसकी वजह से मैं अपनी लड़की के पास रहता था, दिन में इनके हेल्प के लिए आता था। बता रहे कि लड़की के साथ मिलकर आते थे आप, उन्हें तंग करते थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कोई बच्चों को ला के मैंने स्कूल में छोड़ा, तो वहाँ बच्चे चिंगाड़ मार के रोने लगे माँ को देख के, तो उसके बाद मैंने 112 पे फोन कर दिया। तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, अगर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है कुछ भी पुलिस करती है उसके लिए तैयार हैं आपकी? हाँ, कोई बात नहीं, हमने मेरी मैंने अपनी सच्चाई वाली बात रख दी आपके आगे जी। अब वो कुछ भी एलिगेशन, देखो उनकी लड़की गुजरी है, उनको जो शख्स हुआ है वो अपनी तरफ से कुछ भी कहें। जी जी जी। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ये फरीदाबाद से हैं, और साथ में जो दूसरा पक्ष है वो फिलहाल जो बता दें घरोंडा से है। तो यहाँ पर ये पूरा मामला फिलहाल जो सामने आया है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैरानीजनक है, लेकिन अभी फिलहाल ये ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तभी चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो पाएंगी, उससे पहले कुछ भी कहना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिलहाल ये ज़रूर दुख की बात है कि एक परिवार की एक बेटी जो है वो किस तरीके से, उसकी जो जान है वो फिलहाल किस तरीके से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब वो सुसाइड है या मर्डर, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगी तभी चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो पाएंगी। आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।